कर लियो, आज के तारीख के अंदर आप सोचिए कि 50,000 रुपए अगर कोई आपके सोसाइटी में, समाज में, आपके आसपास, आपके घर परिवार में कमाता होगा, तो उसका इज्जत जो है ना वो अच्छा इज्जतदार कहलाता है। वो 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, अगर 50,000 रुपए महीने कमा रहा है तो एक साल में कितना कमाएगा, 6 लाख रुपए महीने। अगर उसको 1 करोड़ रुपए कमाना है तो 17 साल लग जाएंगे उसको, 17 साल में वो 1 करोड़ रुपए कमा पाएगा। और यहाँ पे हम जैसे लोग 1 साल कहेंगे, तो कहा जाता है कि दुनिया से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। और आगे कब बढ़ेंगे, जब आप बेस्ट व्हीकल का यूज करेंगे। दिल्ली की दूरी 1200 किलोमीटर ही है, चूज आपको करना है कि आप पैदल जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बुलेट ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, या आने वाले कल की जो टेक्नोलॉजी हाइपर लूप उससे जाएंगे। अभी मैं परसों के ही अखबार में पढ़ रहा था कि आपका शंघाई से न्यूयॉर्क की दूरी तकरीबन है 13,500 किलोमीटर, 13,500 किलोमीटर। तो अभी हवाई जहाज भी जो चलती है वो 1,000-1200 किलोमीटर के ऊपर चलती है, तो अगर आप प्लेन से भी जाएंगे तो 13-13.5 घंटा लगेगा शंघाई से लेके न्यूयॉर्क तक जाने में। लेकिन वो जो सुपर हाइपर लूप एक्सप्रेस ट्रेन जो एक बन रही है हाइपर लूप, वो कह रही है कि हम 2 घंटा में शंघाई से न्यूयॉर्क पहुंचा। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग को मिर्ची लग जाएगी, हवाई जहाज जो 13 घंटे में पहुंचा रहा है, ये कौन सा चीज आ रहा है जो 2 घंटा में पहुंचा रहे। तो भाई आप यकीन मानिए 2 साल के बाद वो भी आएगी, 13,500 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में पहुंचेगा, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो लगभग 6-7,500 किलोमीटर पर आवर की। तो कहा जाता है कि दुनिया के अंदर वही लोग तरक्की करते हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं, जो नए इनोवेशन के ऊपर बिलीव करते हैं। और बहुत सारी चीजें नई नई दुनिया में आ रही है जो कि आने वाले कल के अंदर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन उस बदलाव से आप फायदा कब निकल पाएंगे, उस बदलाव से आप फायदा तभी निकाल पाएंगे जब आप उस बदलाव के हिस्सा हो। आज अगर मैं ड्यूसॉफ में टॉप पे हूं तो क्या ड्यूसॉफ को सिर्फ सुनने से मैं टॉप पे पहुंच गया, मैं जब ड्यूसॉफ का हिस्सा बना तब उसके टॉप पे पहुंचा। जब मुझे ड्यूसॉफ के प्लान के बारे में बताया गया था, मेरे पास भी 2 ऑप्शन था, मुझे जिसने बताया मैं उसको हाँ कहता या ना कह देता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेरा आंसर उस व्यक्ति को ना में होता तो क्या आज मैं देश विदेश, मेरे स्क्रीन पे ही चेतना मैम बैठी हुई है, मैं जो स्क्रीन पे, मैं 4 लोग हैं मेरे स्क्रीन पे है, एक तो मैं हूँ, मेरे स्क्रीन पे चेतना मैम है जो कि इंडोनेशिया से है। चेतना प्रधान आप देख रहे होंगे, उनको मुस्कुरा रही है, प्रणाम मुझे कर रही है, मेरे तरफ से भी आप प्रणाम स्वीकार करिए। और मेरे ठीक नीचे FG शशिकांत है जो रियल में वाकई फाइटर है, शशिकांत मेरे सामने दिख रहे हैं। और मेरे तीसरे आगे है मुकेश साहू, उन्होंने भी एक शानदार सा बैनर लगाया है और वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो आप सोचिए, पटना से शशिकांत जी है, इंडोनेशिया से चेतना मैम है, और छत्तीसगढ़ से आपको जो है मुकेश जी है, और ये चारों के चारों लोग एक स्क्रीन के ऊपर है। अब इससे बड़ी टेक्नोलॉजी आपको क्या चाहिए कि विदेश से चेतना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, शशिकांत जी है यहाँ से, छत्तीसगढ़ से है। और अगर इसी का कोई बिलीव नहीं करेगा तो उसका लूजर कौन होगा, उसका लूजर वही होगा जो नहीं। इसलिए आज की तारीख के अंदर अगर सरकार ये कह रही है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, तो यकीन मानिए आने वाले 10-20 साल के अंदर आपको जो आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम तो रहेगा लेकिन वो डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा। आपने एक दुनिया के अंदर संयुक्त अरब अमीरात का नाम सुना होगा, जिसके अंदर 7 स्टेट्स है, जिसमें से दुबई एक वर्ल्ड फ्रेम का एक बहुत ही बड़ा जगह है, बिजनेस का हब है। दुबई ने अपने आप को ये कहा है कि दुबई के अंदर कोई भी काम पेपर के ऊपर अब नहीं हो रहा, आज की तारीख में नहीं हो रहा। हम लोग ट्रेन में भी सफर करते हैं तो एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ट्रेन में भी सफर करते हैं तो प्रिंट आउट लेके जाते हैं, टीटी को दिखाते हैं। और पूरे दुबई शहर के अंदर कोई भी काम, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सरकारी हो, कुछ भी हो, सारा पूरा दुबई शहर पेपरलेस हो गया। तो ये समय के साथ जिसने अपने आप को चेंज किया है, बदला है, कहीं ना कहीं उसकी जीवन शुरू। हम लोगों को ये मौका ड्यूसॉफ में आज से 20-21 साल पहले मिला, हम लोगों ने इसको यूज किया और यूज करके आज आपके लिए एक एग्जाम्पल बने। लेकिन आने वाले कल में ये टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है, ये एजुकेशन रुकने वाला नहीं है। आज आप सोचिए कि आज अगर आप पटना या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या MP या बंगाल या दिल्ली या व्हाटएवर जहां कहीं भी पढ़ते होंगे या पढ़ रहे हैं, तो वहां से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां के लोकल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। लेकिन वही एजुकेशन अगर आप ऑनलाइन के ऊपर आ जाएंगे तो हो सकता है कि इंटरनेशनल क्वालिटी के टीचर्स से आपको पढ़ने, सुनने, सीखने, समझने का मौका मिलेगा। तो आपके एजुकेशन के अंदर कितना बड़ा चेंज आया। एक गांव का भी लड़का चाहे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के
जो है इंग्लिश से लेके और सारी चीजों को ऑनलाइन के जरिए पढ़ सकता है। चार पांच दिन पहले हम लोग की एक मीटिंग हुई थी हमारी एमडी सर के साथ, में भी आप में से बहुत सारे लोग उसमें उस प्रोग्राम के अंदर होंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज किया, बताया हम लोग को कि ड्यूसॉफ्ट जो है अब एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में भी आ गई। आपको पता है कोरोना के अंदर ड्यूसॉफ्ट में ये ऋषि सर को लगा कि आने वाले कल में हमें एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को भी आगे प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो उन्होंने ड्यू वाइटल का एक बहुत अच्छा पैकेज लॉन्च किया। बहुत सारे लोग इसका बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन उन्होंने उस मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की, जिसको कि मैंने देखा कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है उन्होंने भी उसको कोट किया कि आने वाले कल के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है हेल्थ सेक्टर के अंदर। और उस हेल्थ सेक्टर के अंदर जो भूचाल आएगा वो होगा टेली मेडिसिन का। आपको अगर दिल्ली के डॉक्टर से दिखवाना है तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के डॉक्टर को आप टेली मेडिसिन के जरिए जो है आप पटना में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, जहां भी आप घर बैठे दिखा सकते। दिल्ली एम्स का डॉक्टर आपको छत्तीसगढ़ में आपके गांव में नहीं मिलने वाला, दिल्ली एम्स का डॉक्टर दिल्ली एम्स में बैठेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको दिल्ली एम्स के डॉक्टर का इलाज आपके घर तक। और ऋषि सर को अगर आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि ड्यूसॉफ्ट के पास अपनी जो है वो हॉस्पिटल भी है और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ड्यूसॉफ्ट के साथ है। तो आने वाले कल में ये ऑनलाइन एजुकेशन भी रहेगा, आने वाले कल में ये ड्यू वाइटल भी रहेगा, और जो हेल्थ की जो सबसे बड़ी क्रांति है, कहा जाता है ना कि जब आपका हेल्थ बेहतर होगा तभी आप कुछ दुनिया में सीख समझ सकते हैं, हेल्थ की जो सबसे बड़ी क्रांति है टेली मेडिसिन। हो सकता है कि इसी पैकेज के अंदर वो भी हो जाए, आपको जो है दिल्ली के जो बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट सर्जन है, वो सर्जन आपको अगर आपने ड्यूसॉफ्ट की ज्वाइनिंग ली है तो आपको उनके साथ इलाज कराने का भी, या आपके फैमिली में लोगों को अगर दर्द हो इलाज के तो इलाज कराने का मौका। तो आप यकीन मानिए कि आपने जिस प्लेटफॉर्म को चूज किया है, या जो लोग आज नए यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आज डिसीजन लेने के मोड में है, आप एकदम यकीन मानिए कि आप अगर डिसीजन लेते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपके लाइफ का जो भी चीज है जिससे आप सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम इज्जत हो, चाहे वो हेल्थ हो, वो सारी चीजों का सोल्यूशन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और वो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है ड्यूसॉफ्ट, जो प्लेटफॉर्म अपने आप में ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। क्यों ट्रस्टेड मैं बोल रहा हूं, इसलिए चूंकि पिछले 22 सालों से ये सिस्टम चल रही है। अगर ये सिस्टम 6 महीने से चल रही होती, साल भर से चल रही थी, 2 साल से, तो आपको शक सुबह भी हो सकता था, अरे क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अगर 22 सालों से ये सिस्टम चल रही है, इसका मतलब सिस्टम ने अपने आप को ठोक बजा के पूरी तरीके से तंदुरुस्त कर लिया। आप जाइए गूगल, कहते हैं ना गूगल बाबा बहुत बड़ा बाबा है, उसके शरण में जाइए और देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन में काम करने वाली कितनी कंपनी है जो 22 सालों से चल रही है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी ड्यूसॉफ्ट के अलावा, जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को आज से 22 साल पहले स्टार्ट। तो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग हैं, और हमें लगता है कि आज की तारीख में आपको सीरियस होने की जरूरत है। तो 3 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें आपको सीरियस होना होगा। वो सीरियस किस चीज के लिए होना होगा, आज अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को हम बेहतर से बेहतर बनाएं, तो आपको सबसे पहले सीरियस होना होगा अपने ड्रीम के प्रति। लाइफ में आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आप अपने ड्रीम के प्रति सीरियस हो। आपको सीरियस होना होगा आपको आने वाले कल के प्रति, बीते हुए कल के लिए नहीं। आपने कभी गौर किया कि भगवान ने हमें जो आंख दो दिए हैं, लेफ्ट आईज और राइट आईज, आगे क्यों दिया? कभी गौर किया इसको? पीछे भी दे सकते थे, आगे ही आंख क्यों दिया? आगे आंख इसलिए दिया, लुक फॉरवर्ड, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, आगे देखिए, पीछे जो बीत गया वो छोड़ दीजिए। मैं भी जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं 200 रुपए के बेड पे पटना में रहता था, और आज जहां से मैं आपको लाइव हो रहा हूँ, उस मकान की कीमत मेरी 2 करोड़ की है। तो उस 200 रुपए के बेड से 2 करोड़ के घर तक पहुंचाने का माध्यम था ड्यूसॉफ्ट। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि आज ये मौका आपके पास है, इसलिए आपको सीरियस, और जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक दिन रात की नींद चैन आप नहीं त्यागेंगे, तब तक बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तो मैंने शुरू में कहा, जब तक आप चैलेंज बड़ा नहीं लेंगे, जब तक आप स्ट्रगल बड़ा नहीं करेंगे, सफलता बड़ी नहीं आएगी। तो आपको जो चैलेंज लेना है, आपको जो सीरियस होना है, सबसे पहले अपने ड्रीम के प्रति, जिसके जरिए आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपको जो सीरियस होना है, वो सीरियस होना है आने वाले कल में आपके फ्यूचर के प्रति। आपको जो सीरियस होना है, वो सबसे पहले अपने हेल्थ के प्रति, क्योंकि आपका परिवार आपकी पूरी जिम्मेदारी के ऊपर है। आप सही रहेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, तभी आप परिवार के बारे में सोच सकते। तो आपको अपने हेल्थ के प्रति कसरत होना होगा,
और आने वाले कल के अंदर आपको जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपको आपकी फैमिली के प्रति। तो पर्सनली ये मेरा मानना है कि अगर आप इन चार चीजों के बारे में सीरियस हो जाए जो मैंने आपको बताया, अगर सुप्रियो आपको रिपीट कर पाए, सुप्रियो मैंने चार चीजें कौन सी कही, अगर आप रिपीट कर पाए इनको तो किस चीज में सीरियस होना होगा सुप्रियो? यस सर, ड्रीम में ड्रीम के प्रति सीरियस होना होगा, अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस होना होगा, अपने हेल्थ के प्रति सीरियस होना होगा, और चौथा अपने फैमिली के प्रति सीरियस, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर चीज। आज मुझे लगता है कि ड्यूसॉफ्ट में मैंने जितना पढ़ाई किया 10,500 रुपए दे के, उससे ज्यादा तो मेरा दोनों बेटा पढ़ लिया, और मैंने आज से 21 साल पहले एक बार ड्यूसॉफ्ट को पैसे, उसी से मैं भी पढ़ा, उसी से मेरे पिताजी आज कॉलेज में प्रिंसिपल है, उनको भी जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीख रहा था वो भी पढ़े बिना पैसा दिए फ्री में, और आज मेरा दोनों बच्चा भी। बताइए कि कौन सा ऐसा कॉलेज, कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी, कौन सा ऐसा कोचिंग आपको मिलेगा जो आपको आपके 3 जनरेशन को पढ़ाने का ठेका लेगा? एक भी ऐसा कॉलेज इंस्टीट्यूट है तो आप बताइए मुझे कि ऐसा मैं ज्वाइन कर लूंगा तो वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी लाइफ टाइम के लिए उठा लेगा। मोबाइल वाले भी, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, और वो हो, लाइफ टाइम आपको बोलते हैं, लाइफ टाइम देते नहीं है, महीने का रिचार्ज बोलते हैं, 28 दिन में काट देते हैं। कहां कुछ आप बोल रहे, हल्ला भी नहीं कर रहे आप है? फरवरी को छोड़ के कोई महीना 28 दिन का होता है, लेकिन आपका हर रिचार्ज 28 दिन का होता है, आप बोलते नहीं है तो वो काट रहा है आपका। यूसॉफ्ट जो कहती है कि हम लाइफ टाइम एजुकेशन देंगे, तो मैंने ये फील किया है प्रत्यक्ष में, इन्होंने मेरे पिछले जनरेशन को भी पढ़ाया, इन्होंने मुझे भी पढ़ाया, मैं कंप्यूटर का स्ट्रक्चर नहीं जानता था, और आज ये मेरे अगले जनरेशन, इसका मतलब एक ओवरऑल सिस्टम, सिस्टम आपकी फैमिली के हर लेवल के सॉल्यूशन, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, जो कुछ भी आप चाहते हैं, ये एक ऐसा अलादीन का चिराग है जो सब जो तो आप रगड़ेंगे तो सिर्फ वो बोलेगा, बोल मेरे आका तुम्हें क्या चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 1 करोड़ साल का चाहिए, 1 करोड़ भी नहीं, अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन चाहिए वो आपको दे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर 4 चांद लग जाए कि मैं जिस महफिल के अंदर जाऊं सिर्फ मुझे देखने वाले लोगों, वो आपको दे, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार को और आपको जानने वाले लोग जो है दुनिया में आपको मिले, वो हर जगह पे आपको, तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें जो आप अपने लाइफ से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे ड्यूसॉफ्ट के जरिए मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए है। और जिस तरीके से आज से 20 साल पहले 30 सितंबर 2001, आज भी मुझे तारीख अच्छे से याद है, 30 सितंबर 2001 मैंने निर्णय लिया था कि मुझे ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करना है। दैट टाइम आई वाज जस्ट 20 साल का मैं था, हो सकता है कि आज इतने सारे नए लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए एक मौका है, और ये मौका बहुत बड़ा मौका है, और आप लकी होंगे। लोग कहते हैं ना कि लक मेरा नहीं है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लक का मेरे लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि लक किसको कहते हैं, सही समय के ऊपर, सही जगह पे, और सही लोगों के बीच बैठने को ही लक कहते हैं, और लक का कोई परिभाषा दूसरा नहीं। रिपीट करो फिर से, सही समय के ऊपर, आज सही समय है, सही जगह पर यूसुफ का प्लेटफॉर्म है, और सही लोगों के बीच, आप जैसे लोगों के बीच अगर कोई व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब वो व्यक्ति आज लकी है। तो आप खुशकिस्मत है, लकी है कि आज की तारीख में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। आप अपने दिल दिमाग के साथ इसके ऊपर रिसर्च करिए, सारा कुछ देखिए, और आपको लगता है कि आपके लिए अभी तक का ये वर्ल्ड का या आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है या सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप जितनी जल्दी साइन अप करेंगे आपकी लाइफ जल्दी परिवर्तन होगी। एक बार अगर